नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के गुणगान में वर्णन है, सर्वशास्त्राधि पीयूष सर्व वेदेक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकेक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वान्तदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। इस श्लोक में वर्णन है श्रीमद् भागवतम क्या है। सर्व शास्त्राब्धि पीयूष, समस्त शास्त्रों को मंथन करने के बाद जो अमृत प्रकट होता है वो है श्रीमद् भागवत। सर्व वेदैक सत्फल, समस्त वेद रूपक कल्पतरु के वृक्ष के पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवत है। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, समस्त सिद्धांत दर्शन के मुकुटमणि रत्न क्या है, श्रीमद् भागवत। सर्व लोकैक दृक्प्रदा, समस्त लोकों को जन समाज को ज्ञानालोक प्रदान करने वाला कौन है, श्रीमद् भागवत है। सर्व भागवत प्राण, समस्त वैष्णव भक्तों का प्राण कौन है, आप श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतो प्रभु, हे श्रीमद् भागवत आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, आप प्रभु हैं। कली ध्वंतादितादित्य, इस कलियुग के अज्ञान अंधकार में डूबे हुए सभी प्राणियों को ज्ञानालोक प्रदान करने के लिए आप स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण पुनः इस धरती पर अवतरित हुए हैं। ये है श्रीमद् भागवत की गुणगान। तो भक्तों, श्रीमद् भागवत के पहले 6 स्कंद प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, अपने भावार्थ लिखे हैं। इनके अलावा अन्य आचार्य जितने सब हमारे वैष्णव आचार्य हुए, सभी वैष्णव आचार्यों ने इनके ऊपर भाष्य या टीका लिखे हैं। तो इस समस्त आचार्यों की टीकाओं के साथ, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के भावार्थों के साथ, हम श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोकों को हम क्रम से पाठ करेंगे, जिसको इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भक्ति वैभव कोर्स नाम से नामित किए हैं। भक्ति वैभव कोर्स एक बहुत ही गंभीर पढ़ाई है, जिसमें पहले स्कंद से लेकर 6 स्कंद तक प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोकों को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग आचार्यों के टीकाओं के माध्यम से हम पाठ करेंगे। ये बहुत अनिवार्य है। इससे क्या लाभ होगा, सबसे पहले हम भक्ति में सुदृढ़ होंगे। जब हम श्रीमद् भागवत में श्लोकों को ऐसे गहराई से पाठ करेंगे, हमारा नाम जप में रुचि बढ़ेगा, भक्ति में प्रगति करेंगे और श्रील प्रभुपाद तथा आचार्यों की टीकाओं को गहराई से पाठ करेंगे, कृष्ण भावनामृत में स्थित होंगे, निष्ठा भक्ति प्राप्त होगी और जो भी इस कोर्स को करते हैं इस्कॉन की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस कोर्स को करने से। तो इसमें बहुत सरल पढ़ाई है, जो केवल हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार शाम को 6:30 से 8:30 के समय के दरमियान ये कोर्स पढ़ाई होगी। ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। जिन भक्तों ने भक्ति शास्त्री कोर्स पहले से किए हुए हैं, वो भक्त इसमें योगदान कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं और भक्ति वैभव कोर्स कर सकते हैं। तो इस पूरे पढ़ाई में बहुत वरिष्ठ अनुभवी भक्तों के द्वारा इस कोर्स का पढ़ाया जाएगा तथा बहुत ही सरल परीक्षा होगी, जिससे परीक्षा में कोई भी भक्त इसको उत्तीर्ण हो सकता है। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो इस्कॉन भागवत महाविद्यालय की तरफ से हम सबसे पहली बार आप सबके लिए सरल राष्ट्रभाषा हिंदी में भक्ति वैभव कोर्स आपको दे रहे हैं। आप सबसे विनती है कि आप इस कोर्स में जरूर पंजीकरण कीजिए और जो जो लाभ हमने बताया उस लाभ को प्राप्त कीजिए तथा इस जीवन के अंत में
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।